हेलो गाइस, दिस इज कुशा बट वेलकम टू कुशा बट सेंटर फॉर एक्सलेंस। सो गाइस, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 4 क्लाइमेट। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। सो ये चैप्टर 4 है क्लाइमेट। सो जैसे कि आपको पता है क्लाइमेट, जैसे कि आप सब जानते होंगे क्लाइमेट के बारे में, यानी कि जैसे अब ये देखिए, जैसे कभी आता है रेनी सीजन, कभी बरसात होने लगती है, कभी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, जिसे आप कहते हैं ना देखो सर्दी आ गई, ऐसे जब आप कहते हैं गर्मी आ गई, कितना समर सीजन है। सो ये सब क्या है, ये सब क्लाइमेट क्लाइमेट में ही आता है, ठीक है। सो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लाइमेट क्लाइमेट के बारे में हम चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो क्लाइमेट के बारे में इस चैप्टर में देखिए इतनी सारी चीजें हैं। फर्स्ट है क्लाइमेट कंट्रोल, सेकंड क्लाइमेट कंट्रोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड प्रेशर और विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट, रिलीफ फीचर्स। फिर ये क्या है, सेकंड है फैक्टर अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट, फैक्टर अफेक्ट जो फैक्टर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इंडिया क्लाइमेट को। सो लैटिट्यूड एल्टीट्यूड प्रेशर और विंड, बस यहाँ तक है। और ये जेड स्क्रीन भी इसी का पार्ट है, जेड स्क्रीन। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम द इंडियन मानसून, इंडियन मानसून के बारे में। इंडियन मानसून क्या होता है, इंडियन मानसून में भी तीन चीजें हैं, ITCZ, SO, एल नीनो। फिर इसके बाद है द ऑनसेट ऑफ मानसून और विड्रॉल, ऑनसेट ऑफ मानसून और विड्रॉल, यानी मानसून कैसा आता है और कैसे जाता है। फिर सीजन के बारे में पढ़ेंगे, सीजन 4 सीजन दे रखे हैं, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन और ट्रांजिशन सीजन। और फिर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। फिर पढ़ेंगे हम मानसून एज यूनिफाइंग बोन्ड, मानसून एज ए यूनिफाइंग बोन्ड, ठीक है। इस इतनी सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले एक चीज दे रखी है हमें, क्या क्लाइमेट डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। सो देखिए वेदर क्या होता है, वेदर भी वही चीज है, क्लाइमेट भी वही चीज है, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या कि वेदर जो होता है ना, वेदर डे टू डे जो चेंज होते हैं उसे उन्हें हम कहते हैं वेदर, जो डे टू डे चेंज होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेदर। यानी कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी धूप निकल रही है ना, सन है हमारे सिर के ऊपर, धूप निकल रही है। सो अगर फिर आप देखेंगे अगले दिन आपने देखा कि देखिए बारिश पड़ रही है, सो ये क्या हुआ, डे टू डे जो चेंज हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं वेदर, कि ये अभी पड़ रही थी, अभी तो गर्मी हो रही थी, इतनी सन निकल रहा था अच्छा खासा, है ना, धूप निकल रही थी, और अब अगले दिन देखा तो बारिश पड़ने लगी। सो ये जो डे टू डे जो चेंज होता है इन्हें हम कहते हैं वेदर। अब क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट में क्या, जैसे जो ईयर्स बहुत सारे ईयर में सालों में जो चेंज होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लाइमेट। जैसे आप देखिए राजस्थान, राजस्थान में ये राजस्थान का जो हमारा इंडियन डेजर्ट जो है, या थार डेजर्ट जिसे हम कहते हैं, इंडियन डेजर्ट जो है, यानी कि वो इंडियन डेजर्ट जो है ना गाइस। सो वहां पे देखिए कितने सालों से रेगिस्तान है, वो रेती रेत है वहां पे, सब में धूप, वहां पे कितनी गर्मी पड़ती है। सो ये क्या है, बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है, इसलिए वहां का वो क्या है, ये क्लाइमेट हुआ, ठीक है। अब क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस समझ में आ गया क्या होता है। तो अब आ जाते हैं हम फर्स्ट टॉपिक पे, चैप्टर के क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट कैसे कंट्रोल होता है, किन किन फैक्टर से होता है। अब देखिए फर्स्ट है लैटिट्यूड, सेकंड है एल्टीट्यूड, थर्ड है प्रेशर और विंड सिस्टम, फोर्थ है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सिक्स्थ है ओशन करंट, फोर्थ और सिक्स्थ है रिलीफ फीचर्स। अब आते हैं फर्स्ट लैटिट्यूड, लैटिट्यूड से कैसे होता है। अब देखिए जैसे अब ये है हमारी अर्थ, ये क्या है, ये है हमारी अर्थ और ये क्या है सन, ये है सन, सन की, और देखिए सन, और यहाँ पे यहाँ से जो ये क्या जा रहा है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इक्वेटर पता होगा आपको 0 डिग्री इक्वेटर के बारे में। फिर अब ये क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कैप्रिकॉर्न, ये है 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, ये है 23 डिग्री हाफ साउथ, 23 डिग्री हाफ साउथ, ठीक है। ये है अब तो यहाँ की सन की रेस पड़ रही है, सन की रेस पड़ रही है, और ये क्या है नॉर्थ पोल, और ये क्या है साउथ पोल, सन की रेस पड़ रही है यहाँ पे। अब सन की रेस कितने रीजन में पड़ती है, इतने हमारे रीजन में यहाँ पे ये सन की रेस ऐसे पड़ती है। सो यहाँ पे क्या पड़ रही है, ये जो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक यहाँ तक रेस पड़ रही है, पर यहाँ तक तो इक्वेटर तक इतना सब यहाँ पे, यहाँ सन की रेस पहुंच पा रही है, पर यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ सॉरी साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर यहाँ पे नहीं पहुंच पा रही है सन की रेस, नहीं पहुंच पा रही है। सो यहाँ का
यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा? लो होगा, यानी कि यहाँ सर यहाँ ठंड हो रही होगी, यहाँ गर्मी हो रही होगी, क्योंकि यहाँ क्या पड़ रही है, सन के रेज पड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये सब हम आ गया लैटिट्यूड, जिसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। अब लैटिट्यूड तो आपको पता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और ये क्या है, लैटिट्यूड ही है, 0 डिग्री इक्वेटर लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड 23 डिग्री हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23 डिग्री हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्या है, लैटिट्यूड ही है। ये सब हम आ गया, इससे क्या होता है, क्लाइमेट कंट्रोल हुआ। अब यहाँ देखिए, इसके बाद आता है हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड में अगर आप देखिए कि जैसे आप हैं, आप ये आप है, आप क्या जा रहे हैं, आसमान में उतर चले जा रहे हैं, आसमान में जाते चले जा रहे हैं, ऊपर चले जाते जा रहे हैं। तो आपको जैसे देखेंगे नीचे क्या था, बहुत हॉट था, नीचे गर्मी हो रही थी, पर जैसे ही आप ऊपर जाते रहेंगे, जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे तो क्या होता जाएगा, कोल्ड होता जाएगा, कोल्ड। जैसे आप देखते हैं ना माउंटेन पर पहले आप नीचे होते हैं तो इतनी इतनी ठंडी नहीं होती है, पर जब आप ऊपर जाते जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, और नीचे क्या रहता है, हॉट, ठीक है। इसी को हम कहते हैं क्या, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहते हैं इसी को हम। अब आता है प्रेशर और विंड सिस्टम। प्रेशर और विंड सिस्टम क्या होता है, चलिए अब देखते हैं। प्रेशर और विंड सिस्टम में क्या होता है कि अब जैसे मान लिया कि यहाँ ये क्या है, ये ओशियन है, ये है ओशियन, ये क्या है, ये हमारा लैंड है, ये लैंड है, ये ओशियन है। अब मान लिया जैसे समर सीजन चल रहा है, क्या समर चल रहा है, गर्मियां चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे गर्मियों में क्या होगा कि जो ओशन होता है उसके ऊपर वाली, उसके ऊपर जो विंड होती है वो कैसी होती है, ये क्या है, ये विंड है, ये कैसी होती है, उसके ऊपर वाली जो विंड होती है वो कैसी होती है, वो होती है कोल्ड, क्या, कोल्ड। और जो यहाँ पे लैंड की जो विंड होती है वो कैसी होती है, हॉट। यहाँ मैंने लिख दिया हॉट, लिख देता हूँ हॉट। अब ये हो गया, सन को थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, सो ये बन गया हमारा सन यहाँ पर। अब जैसे कि पता है आपको कि हॉट, जब जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है, लाइट होती है, लाइटर होती है, इसलिए ये क्या जाती है, ये क्या कहाँ चली जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी। अब इसे यहाँ से हटा देते हैं, इसे भेज देते हैं हम ऊपर, हॉट एयर को भेज देते हैं हम ऊपर, यहाँ पे आ गई ये हॉट एयर, यहाँ लिख देता हूँ। अब ये हॉट भी आ गया, यहाँ हॉट एयर आ गई यहाँ पे। अब यहाँ क्या, यहाँ तो एयर ही नहीं है बच्ची, अब सो यहाँ पे एयर ही नहीं बच्ची, यहाँ पे कम एयर, यहाँ पे एयर नहीं है, सो यहाँ का जो प्रेशर है वो कैसे हो जाएगा, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे, लो प्रेशर। अब लो प्रेशर हो गया, अब तो जो विंड है वो कहाँ, हाई प्रेशर, और यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर, या एच पे लिख दिया है हाई प्रेशर, यहाँ लिख देता हूँ एलपी, लो प्रेशर, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर। अब कोल्ड हवा कहाँ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, सो यहाँ से ये कोल्ड हवा हटके कहाँ आ गई, कोल्ड एयर हटके आगे से कहाँ आ गई, हमारी ये आ गई यहाँ पे लो प्रेशर में, ये आ गई कोल्ड एयर, कोल्ड यहाँ पे लो प्रेशर से आ गई, और अब ये हो गया। इसी को हम कहते हैं प्रेशर और विंड सिस्टम। अब ऐसे ही होता है यहाँ पे हमारा, बिल्कुल सर्दियों में, सर्दियों की बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, ये बादल है, यहाँ ठंड हो रही है, सर्दियों की बात करते हैं। विंटर में यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हॉट एयर होती है, यह हॉट एयर, यहाँ पे कोल्ड एयर, लैंड के ऊपर कैसी है, कोल्ड, और यहाँ कैसी है, हॉट। तो हॉट तो आपको पता है कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, चलिए तो इसे ऊपर भेज देते हैं। अब ये हॉट एयर तो चली गई ऊपर हमारी। अब यहाँ यहाँ कैसा, यहाँ कैसे प्रेशर बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया लो लो प्रेशर। अब कोल्ड एयर अब लो प्रेशर, हाई प्रेशर से कहाँ जाएगी, हवा लो प्रेशर की तरफ जाएगी, सो यहाँ आ गई, यहाँ बढ़ गया हमारा, सो ये हो गया एल्टीट्यूड। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ विंटर में क्या होता है, उल्टा होता है उसका समर का, ठीक है। ये हो गया क्लियर आपको, राइट। अब इसके बाद आते हैं हम, ये तो हो गया हमारा प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी क्या होता है, अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से जो डिस्टेंस है, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज, इंक्रीज मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस डिक्रीज, डिक्रीज एंड द प्यूपिल एक्सटर्म, एक्सटर्म द एक्सटर्म कंडीशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटली। अब यहाँ देखिए कि ये जो
होता है जिससे सराउंडर सीज होती है वहाँ क्या होती है इंक्रीज होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है इंक्रीज होता है। और पर यहाँ इसका पर इसके मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस की वजह से, इसका जो इन्फ्लुएंस मॉडरेट कर रहा है ना, उसकी वजह से क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब डिक्रीज हो जाता है तो सो क्या होता है कि प्यूपिल क्या करते हैं, इसे प्यूपिल कैसी कंडीशन बता देते हैं, इसे एक्सट्रम कंडीशन बता देते हैं। सो इसी कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटली। अब कॉन्टिनेंटल कैसे कि अब देखिए आप जब समर में क्या हो रहा होगा, समर में दिस इज वेरी हॉट और विंटर में दिस इज वेरी कोल्ड। ओके, सो ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब ओशियन करंट्स, अब आपको पता है ओशियन है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये ओशियन है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, यहाँ पे नीचे ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना इंडियन ओशियन होता है, ये इंडिया हमारा, इंडिया के नीचे क्या होता है इंडियन ओशियन। अब इंडियन ओशियन है, यहाँ पर इंडियन ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशियन में क्या होगा, अब ओशियन है उसमें भी क्या चलती है, करंट चलती है। अब कुछ करंट चलती है, लेकिन विंड्स चलती हैं, कोई चलती है हॉट विंड्स, कोई चलती है कोल्ड विंड्स। अब हॉट विंड्स जो होगी, जैसे हॉट विंड आ रही है हमारे एशिया, हॉट विंड चल रही है हमारे एशिया के पास, तो यहाँ ये है हॉट विंड, हॉट यहाँ लिख दिया हॉट, और अफ्रीका के यहाँ पे चल रही है यहाँ पे कोल्ड विंड, मान लिया कोल्ड विंड, ये कोल्ड विंड चल रही है। सो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा, ठंडा, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है एशिया का हमारा वो कैसा हो जाएगा, हॉट। सो इसी को हम कहते हैं ओशियन करंट्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया ओशियन ट्रेंड। अब इसके बाद आता है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर आती है कि कहीं किसी जगह का रिलीफ बताता है वो। अब देखिए जैसे मान लिया कि एक रीजन ये है, यहाँ पे भी हाउस दे रखा है, यहाँ पे मान लिया देखिए ये बन गया हाउस, ये बन गया मान लिया हमने हाउस, ये बन गया हाउस। ठीक है, अब इधर क्या है, यहाँ पे एक माउंटेन है। ठीक है, अब इधर भी एक रीजन बन गया हमारा, हमने बना लिया यहाँ पे हाउस, ये देखिए ये बन गया हमारा हाउस। ठीक है, अब इधर भी एक रीजन है, इधर भी एक रीजन है, यहाँ बना लिया हमने पेड़। ठीक है, इधर भी एक रीजन है। अब यहाँ से क्या, यहाँ से क्या आ रही है, विंड आ रही है। ठीक है, विंड आ रही है। अब विंड क्या ला रही है, ये विंड कोल्ड विंड है, ये क्या ला रही है, मॉइस्चर ला रही है अपने साथ। अब यहाँ तो माउंटेन है तो ये क्या करेगी, ये आप चली जाएगी ऐसे ऊपर चली जाएगी। अब ऊपर चली गई ये विंड, अब ऊपर चली गई तो यहाँ पे क्या बना लेंगी, ये क्लाउड बना लेंगी। तो इस रीजन में क्या होगा, यहाँ पे बारिश होगी, पर इस रीजन, ये रीजन कैसा लग गया, वार्म, इधर बारिश नहीं हुई। सो ये क्या हुआ, माउंटेन की वजह से ये हवा इधर की साइड नहीं जा पाई, ऊपर चली गई और बादल बना लिए इन्होंने, प्रेसिपिटेशन हो गया, बारिश हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब इतनी बात तो हमने कर ली क्लाइमेट कंट्रोल में। तो क्लाइमेट कंट्रोल में कितने हमने सिक्स इसके तरीके पढ़े क्लाइमेट कंट्रोल करने के, है ना। फर्स्ट पढ़ा है लैटिट्यूड, फिर प्रेशर और विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट, रिलीफ फीचर्स। ठीक है, अब इसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट, कौन सा फैक्टर इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अब देखिए कौन कौन से करते हैं, लैटिट्यूड प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ये जेड स्क्रिप्ट क्या है, ये अलग से दे रखा है। ठीक है, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड प्रेशर ऑफ विंड सिस्टम। अब लैटिट्यूड कैसे करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लिया कि हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है, अब ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ये जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ऐसे बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सही से बना देते हैं, पहले ये बन गया 0°, ये अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन क्यों है, क्योंकि सन की रेस क्या पड़ रही है, डायरेक्ट पड़ रही है, ये क्या है ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल, क्या सब ट्रॉपिकल, सब लिख देते हो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल, और ये जो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल वाला जो रीजन है, ये क्या है पोलर रीजन, यहाँ लिख दिया पोलर, ये है पोलर रीजन। ठीक है, ये हो जाता है पोलर रीजन क्यों गया है, क्योंकि सन के जो रेज आ रही है, सन की रेज क्या यहाँ पर नहीं पड़ती है, इसलिए इन्हें पोलर रीजन कहा गया है। अब इसलिए इन्हें क्या कहा गया, पोलर रीजन कहा गया। अब देखिए ये पोलर रीजन कहा गया, सो अब यहाँ पे क्या पड़ती है, यहाँ पे
यहाँ पे भी सर्किलेस पड़ती है पर कम पड़ती है, इसे इन्हें सब ट्रॉपिकल कह दिया। क्या? सब ट्रॉपिकल। और यहाँ क्या है? ये ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल पे क्या पड़ती है? सर्किलेस अच्छी खासी पड़ती है, इसलिए इसे कहा गया ट्रॉपिकल रीजन। अब ये हो गया। अब ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ अर्थ के कर्वेचर की वजह से, इसके अर्थ के कर्वेचर की वजह से, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है सोलर एनर्जी को, जो हमसे एनर्जी मिल रही है सन से, उसे अट्रैक्ट कर लेता है अर्थ का कर्वेचर। सो इसी को हम कहते हैं लैटिट्यूड। जब अर्थ का कर्वेचर सोलर एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, उसी को हम कहते हैं लैटिट्यूड। इससे जो होगा, इंडिया में क्लाइमेट अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि कैसे, अब इंडिया का है हमारे कौन से रीजन में, इंडिया सब ट्रॉपिकल रीजन में भी है और ट्रॉपिकल में भी है। अब ट्रॉपिकल में कौन सा हिस्सा है हमारा? कोस्टल रीजन वाला, जो पेनिनसुला रीजन है हमारा, वो वाला रीजन हमारा ट्रॉपिकल में है। और सब ट्रॉपिकल में कौन सा है? नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, सब ट्रॉपिकल में है। अब ये तो हो गया हमारा लैटिट्यूड। अब आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे आप हैं और जब आप ऊपर जाते हैं, कैसे जब वो ऊपर जा रहे हैं तो कैसे हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, क्या कोल्ड हो जाता है, ऐसे ही हम माउंटेन पे जब आप ऊपर जाते हैं कोल्ड होता है, क्योंकि क्या होता है माउंटेन में, मैंने कितने बताए थे, सबसे ज्यादा हाई कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं, 6000 मीटर के अराउंड होते हैं, 6000 मीटर के अराउंड होते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है जब वो ऊपर जाते हैं। अब बिल्कुल एंड पर पहुंच जाएंगे, सो कैसे लगेगा, बहुत कोल्ड, आपको सर्दी लगने लगेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया एल्टीट्यूड। अब आता है प्रेशर और विंड। प्रेशर और विंड। अब प्रेशर और विंड क्या होती है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ देखिए मैप में आप, अब ये जो है ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ से, यहाँ जो होता है हमारा इंडिया, एक यहाँ से हमें क्या दिखती है, ये हमारी वो आती है रेज, किस वो विंड्स आती है, विंड्स कैसे यहाँ से, जैसे इंडिया है ये वाला रीजन में, ऐसे विंड आ रही होती है, ऐसे विंड आ रही होती है। अब आप कहेंगे कि विंड ऐसे टेढ़ी क्यों आ रही है, ऐसे करके टेढ़ी क्यों आ रही है, विंड ऐसे सीधी क्यों नहीं आ रही, ऐसे सीधी। अब कहेंगे आप कि ऐसे टेढ़ी करके क्यों आ रही है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है, अब ये जो देखिए हमारी अर्थ है वो क्या बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं है, बल्कि कैसे टेढ़ी है, थोड़ी ऐसे करके टेढ़ी है, अपने टेढ़ी है ऐसे करके, है ना, इसलिए क्योंकि वो और घूमती भी तो रहती है, अपने एक्सिस पर घूमती भी रहती है वो, इसलिए क्या है ये विंड ऐसे सीधी नहीं आती है, बल्कि कैसा आती है, ये ऐसे टेढ़ी आती है, ठीक है। अब यहाँ से ये विंड आ रही है, ठीक है, यहाँ से विंड आती है, अब यहाँ से ये विंड आ रही है, ठीक है, और विंड यहाँ से आ रही है। अब मान लिया कि समर सीजन चल रहा है, ठीक है, समर सीजन चल रहा है, यहाँ समर सीजन ये चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, विंड आ रही है। अब यहाँ पे तो ये हिमालयन माउंटेन है, यहाँ पे तो विंड आ ही नहीं रही, विंड तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रही है इंडिया में, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, समर चल रहा है वैसे भी, तो इंडिया का जो लैंड है वो क्या हो जाएगा, बहुत हीट हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, हॉट लैंड जो है वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे है ओशियन में कैसा है, हाई प्रेशर है, क्योंकि जब होया हॉट है तो कैसा प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जो ओशियन है, ओशियन जो है वो क्या है, कोल्ड है, उनका प्रेशर कैसा है, वो हाई प्रेशर है, तो विंड कहाँ से जाएगी, विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। अब यहाँ से जो विंड आई यहाँ से और यहाँ पे इंडिया में आ गई हमारे, तो कैसे हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो गई, बारिश हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो विंड आ रही थी, विंड को तो उन्होंने क्या, किसने रोक लिया, हिमालयन माउंटेन जो थे उन्होंने रोक दिया हिमालयन माउंटेन ने। सो ये हो गया हमारा प्रेशर और विंड। अब इसके बाद जो मैं बता रहा था जेट स्ट्रीम बता रही थी, ठीक है। अब ये जो हमने जितने भी ये सब हमने विंड पढ़ी है, ये क्या थी, सब ये सरफेस विंड थी। अब क्या आती है, कुछ सरफेस विंड नहीं, कुछ क्या चलती है, ऊपर भी चलती है, यानी लैंड से उठकर भी चलती है, लैंड से ऊपर भी चलती है। अब उन्हें हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं उन्हें हम। अब जेट स्ट्रीम एक चलती है यहाँ पे, एक इंडिया, ये इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, उसमें ऐसे करके ये जेट स्ट्रीम एक चलती है, यहाँ पे एक जेट स्ट्रीम चलती है, ठीक है। वो क्या चलती है, विंटर में तो इंडिया में यहाँ पे चलती है, पर जब क्या जाता है, समर आ जाता है, तो कहाँ चली जाती है, नॉर्थ में, यानी कि इंडिया से ऊपर चली जाती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है, ये तो आपको क्लियर हुआ।
जेट स्ट्रीम भी। अब इसके बाद आता है द इंडियन मानसून। इंडियन मानसून की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, ये सिर्फ कर देते हैं। अब आता है इंडियन मानसून। इंडियन मानसून क्या है? अब जैसे कि बताया था मैंने आपको, जो ये जो इंडिया है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? मानसून टाइप है। कैसा? मानसून टाइप। अब आप कहेंगे मानसून टाइप कैसे, कि यहाँ इंडिया में तो कोई क्लाइमेट ही नहीं है, क्योंकि आपने बताया था कि, क्योंकि मैंने बताया था क्या कि ये तो वो ईयर्स में जो चेंज होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लाइमेट। अब पर यहाँ पे तो हमारा कहीं कभी समर सीजन आ रहा है, समर आ रहा है, गर्मी हो रही है, कभी विंटर आ रहा है, कभी विंटर आ रहा है, कभी रेनी सीजन आ रहा है, ठीक है, रेनी सीजन आ रहा है। तो ये इतने सारे सीजन से, सो इतने सारे सीजन सही है, ठीक है, इतने सारे सीजन से चल रहे हैं हमारे। पर आपने कभी सोचा है कि अब इतने सालों से यही क्यों सीजन चल रहा है? समर की जगह कुछ और क्यों नहीं आया? विंटर की जगह क्यों नहीं आया कुछ और? रेनी सीजन की जगह कुछ और क्यों नहीं आया? यही सीजन क्यों चल रहा है? कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, इतने लॉन्ग टाइम से यही चल रहा है। सो इसलिए क्या है, हमारे इंडिया का मानसून कैसा है? वो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मानसून टाइप, यानी कि मौसमी है। मौसम के बदलते रहते हैं, क्या बदलते नहीं है, ठीक है, बदलते रहते हैं, मतलब बदलते तो रहते हैं, पर क्या वो ही बार बार वो ही बदलते रहते हैं, दूसरे नहीं आते हैं, ठीक है, नए नहीं आते हैं। अब ना तो ये इंडियन मानसून समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आती है द मैकेनिज्म। इंडियन मानसून जो है, मानसून का मैकेनिज्म होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैकेनिज्म कितने होते हैं, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट है द डिफरेंशियल बिटवीन, द डिफरेंशियल बिटवीन, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है। द डिफरेंशियल बिटवीन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जो डिफरेंशियल है बिटवीन किसका, हीटिंग और कूलिंग, यानी कि हीटिंग करना और कूलिंग करना इसके लैंड और वाटर को। अब यहाँ देखिए, लो प्रेशर रहता है इसमें लैंड में, लैंड पर क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है और क्या रहता है, और हाई प्रेशर कहाँ रहता है, ओशन से हाई प्रेशर रहता है। सो हाई प्रेशर की तरफ लो हाई प्रेशर से लो की तरफ, लो प्रेशर की तरफ क्या करेगी, विंड मूव करेगी, मूवमेंट करेगी, ठीक है। सो इसी को हम क्या कहते हैं, द डिफरेंशियल बिटवीन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब लैंड एंड वाटर का हीटिंग और कूलिंग बता रहा है, यानी कि ओशन कैसा है, वाटर कैसा है, कूल, और क्या हो गया, लैंड कैसा है, हीटिंग, ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? अब ये तो ये हो गया फर्स्ट मैकेनिज्म, ठीक है। सेकंड क्या है, द शिफ्ट ऑफ द आईटी से, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, आईटीसीजेड यहाँ पे भी दे रखा है ना, इसे हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। अभी हम आईटीसीजेड आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए, जो आईटीसीजेड है, इंटर कन्वर्जेंट जोन है, ये अपनी शिफ्ट पोजिशन रहती है, इसकी शिफ्ट पोजिशन रहती है या नहीं ये बताया है, नहीं रहती है शिफ्ट पोजीशन। वो जब आप आईटीसीएड में पढ़ाऊंगा ना, जब पता चल जाएगा कि शिफ्ट पोजीशन रहती है या नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आता है थर्ड मैकेनिज्म। थर्ड क्या आता है, थर्ड, चलिए देखते हैं थर्ड क्या है हमारा। अब यहाँ देखिए, थर्ड समय हम देख लेते हैं यहाँ से। अभी सेकेंड तक तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब आता है थर्ड मैकेनिज्म क्या है, द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया, द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, यानी कि द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया, प्रेजेंस जो है, जो हमारा हाई प्रेशर एरिया जो प्रेजेंस है ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। अब मेडागास्कर क्या है, चलिए देखते हैं मेडागास्कर क्या है। अब मेडागास्कर ना, ये जो हमारा क्या है, जो हमारा ये अफ्रीका एरिया हमारा जो अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका जो है हमारा, अफ्रीका के पास क्या है, आइसलैंड है ये, इसी को हम मेडागास्कर कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मेडागास्कर, स्पेलिंग से नहीं है, घासकर, ठीक है, ये है मेडागास्कर। अब यहाँ पे ये है मेडागास्कर, यहाँ पे है हमारा ये एशिया में, यहाँ पे ये है इंडिया, ये है इंडिया। अब जो विंड जाती है हमारी, विंड जो हमारे ओशन से जाती है, सो ओशन से जाती है, तो यहाँ का प्रेशर कैसा, हाई प्रेशर रहता है, और यहाँ का कैसा रहता है, लो प्रेशर रहता है। इसलिए यहाँ से भी क्या जाती है, विंड जाती है, यहाँ से भी क्या जाती है, विंड जाती है, हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ विंड जाती है। सो इसी को हम कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, ठीक है, ये आ गया। अब आता है द टिबेटन प्लेट्यू हीटिंग
depth dependent latitude heated intensity intensity heat. अब टिबेटन प्लेट्यू, अब टिबेटन प्लेट्यू देखिए क्या होता है. टिबेटन प्लेट्यू यानी कि चाइना के पास होता है ये. अब यहाँ देखिए ये हमारा यहाँ ये जो इंडिया है हमारा, यहाँ ये है इंडिया, यहाँ पे होता है टिबेटन प्लेट्यू. टिबेटन प्लेट्यू यहाँ चाइना में होता है टिबेटन प्लेट्यू, ठीक है. अब टिबेटन प्लेट्यू यहाँ बना देते हैं टिबेटन प्लेट्यू. अब जो विंड्स आ रही है यहाँ से उसे क्या करेगा, टिबेटन प्लेट्यू क्या होता है बहुत गर्म होता है, हीट रहता है. अब जो यहाँ पे क्या है विंड आ गई है, ये विंड आ गई तो इसे क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ये जो टिबेटन प्लेट्यू है ये अट्रैक्ट करेगा, तेजी से अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये क्या है बहुत लो प्रेशर रहता है यहाँ पे, इसलिए अट्रैक्ट कर देगा. अब ये हो गया. अब इसके बाद ये भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है. अब इसके बाद आता है द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली, द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय. अब जो मूवमेंट करती है नॉर्थ ऑफ हिमालय से है ना, जो जेट वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूवमेंट करती है ना, पर मूवमेंट तो करती है पर नहीं भी करती, कब नहीं करती है ये भी बता देता हूँ. जब यहाँ से क्या जाती है पेनिनसुलर रीजन में से, ये तो पेनिनसुलर रीजन है हमारा इंडिया का, पेनिनसुलर रीजन में से क्या जाती है एक हमारी ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जाती है, सब ट्रॉपिकल नहीं, वो क्या है वो सब ट्रॉपिकल है, ये ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जाती है. इस वजह से क्या होता है यहाँ पे हिमालय माउंटेन में जो नहीं जाती है ये ऊपर चली जाती है, जब तो ऊपर जाती है, कब ऊपर जाती है कब बताया था मैंने, समर सीजन में, ये कब होता है समर सीजन में, ठीक है. ये क्लियर हो गया. अब मैकेनिज्म मानसून के हमारे कितने मैकेनिज्म हमने पढ़े. अब आता है आईटीसीजेड, आईटीसीजेड बताया था ना इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन. अब क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ये जो हमारी अर्थ होती है इक्वेटर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो मैंने ट्रॉपिकल जोन भी, ट्रॉपिकल यहाँ का कैसे होता है ट्रॉपिकल, यहाँ सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल यहाँ सब ट्रॉपिकल, यहाँ नॉर्थ पोल है यहाँ साउथ पोल है, तो यहाँ पे कैसा पोलार, पोलार पोलार यहाँ पे कैसा रहता है पोलार रहता है, ठीक है यहाँ पे पोलार. अब ये जो सन की जो रेज आती है, ये सन की रेज आती है तो ये कहाँ पड़ती है यार ट्रॉपिकल रीजन पर पड़ती है, बताया था मैंने. तो यहाँ जो होता है यहाँ यहाँ होता है ये आई टी सी जेड, ये सन की रेज में होता है टी सी जेड. अब जब अर्थ क्या रहती है टिल्टेड रहती है, घूमती भी रहती है ना, तो कभी अर्थ ऐसे हो जाती है तो कहाँ चली जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर रेज चली जाती है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ जाता है ये आई टी सी जेड, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, जब ऐसे होता है, ठीक है. सो ये होता रहता है हमारा. अब ये तो आई टी सी जेड क्लियर हो गया आपको. आई टी सी जेड शिफ्ट पोजिशन में नहीं रहता है, मैंने बताया था ना शिफ्ट पोजिशन में क्यों नहीं रहता है, क्योंकि ये आई टी सी जेड घूमता रहता है, ठीक है. ये क्लियर हो गया. अब इसके बाद आता है हमारा एसओ, एसओ क्या होता है, एसओ यानी कि साउदर्न ऑसिलेशन या साउदर्न ऑसिलेशन, क्या होता है साउदर्न ऑसिलेशन. और ये क्या होता है देखिए, जब प्रेशर पीरियोडिक प्रेशर जो होता है, पीरियोडिक प्रेशर, पीरियोडिक प्रेशर कंडीशन जो होती है, पीरियोडिक प्रेशर कंडीशन जो होती है, प्रेशर में जो पीरियोडिक प्रेशर कंडीशन जो होती है उसमें पीरियोडिक प्रेशर कंडीशन होती है, उसी को हम साउथ ऑसिलेशन कहते हैं. क्या साउथ ऑसिलेशन. अब एल नीनो, एल नीनो क्या है, एल नीनो क्या होता है, एल नीनो यानी कि हम जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या है हमारा एक इंडियन ओशियन है, ये ओशियन है, ये आईओ लिख दिया मैंने, आईओ यानी कि इंडियन ओशियन, ये ओशियन है, ये है पैसिफिक ओशियन, पीओ लिख दिया यानी कि पैसिफिक ओशियन. अब ये जो पैसिफिक ओशियन है हमारा, पैसिफिक ओशियन का यहाँ का क्या रहता है लो प्रेशर रहता है, यहाँ पे लो प्रेशर, और यहाँ पे क्या रहता है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर रहता है. अब जो विंड मूव करेगी वो क्या करेगी लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. अब यहाँ पे भी ओशियन है, यहाँ पे भी ओशियन है तो यहाँ का भी हाई प्रेशर होता है, सो यहाँ से भी आएगी विंड. अब पर यहाँ पे हाई प्रेशर तो रहता है पर यहाँ पे क्या समर में जो होता है यहाँ पे गर्म होती है, यहाँ पे ये गर्म हो जाता है पर यहाँ पे हाई प्रेशर तो होता है पर ये गर्म हो जाता है, सो यहाँ से कैसी विंड आएगी गर्म विंड आएगी. सो यहाँ पे क्या होता है पैसिफिक ओशियन भी गर्म हो रहेगा. अब इसके आसपास वाली जो जगह है पैसिफिक ओशियन वो कैसे हो जाएगी, वहां का टेम्परेचर, वहां का टेम्परेचर हाई हो जाएगा यानी कि गर्म होने लगेगा वो, ठीक है. सो इसी को हम कहते हैं एल नीनो. और ये कब होता है क्रिसमस के टाइम पे कहता है, क्रिसमस के टाइम पे होता है इसलिए हम इसे एल नीनो भी कहते हैं, एल नीनो, ठीक है. ये क्लियर हो गया. अब इसके बाद आता है द ओनेस्ट ऑफ द मानसून और विड्रॉल. अब मानसून का आना, मानसून कैसे आता है और कब जाता है, कब आता है कब जाता है. अब
मानसून आ रहा होता है, कब आता है मानसून? और जब आता है महाराष्ट्र सबसे पहले कहाँ आता है? ये यहाँ मानसून नीचे से यहाँ से आता है ना, जो मानसून ओशियन में से जब आता है, सो यहाँ पे कहाँ पहले आ जाता है? अरेबियन सी में, फिर कहाँ जाता है? बे ऑफ बंगाल में। अब जो दो ब्रांच बन जाती है, एक बन जाती है अरेबियन सी ब्रांच, एक बन जाती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इसके बाद अरेबियन सी ब्रांच से फिर वो कहाँ जाती है हमारा, ये यहाँ से जो अरेबियन सी ब्रांच है वो चली जाती है हमारी टेन, वो चली जाती है हमारी यहाँ पे, इस वाले यहाँ पे आ जाती है, ये कहाँ? महाराष्ट्र में आ जाती है ना, महाराष्ट्र में नहीं गुजरात में आ जाती है ना। फिर ये चली जाती है आसाम में चली जाती है, ये गुजरात में आ जाती है, ये आसाम में चली जाती है। फिर ये गुजरात में रहती है या आसाम के बाद, आसाम से कहाँ जाती है? सेंट्रल में आ जाती है, यहाँ पे सेंट्रल में आ जाती है, ये जो हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो सेंट्रल में आ जाती है। फिर ये जाती है हमारी, ये हमारी जाती है गुजरात में चली जाती है। फिर ये भी यहाँ से राजस्थान से होते हुए कहाँ जाती है? सेंट्रल में आ जाती है, सेंट्रल पार्ट में आ जाते हैं। फिर क्या होती है यहाँ पे, हमें दिल्ली में बारिश देखने को मिलती है, दिल्ली में हमें बारिश देखने को मिलती है ना, दिल्ली में हमें यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। पर यहाँ पे दिल्ली में हमें बारिश देखने को मिलती है, फिर उत्तर प्रदेश में बारिश होने लगती है, हरियाणा राजस्थान पंजाब और जम्मू कश्मीर तक, जुलाई के एंड तक जम्मू कश्मीर में भी ये मानसून पहुंच जाता है। अब जब मानसून जाता कब है, अब मानसून जब जाता है तो सितंबर तक यहाँ से नॉर्थ तक राजस्थान वाले गुजरात वाले एरिया से निकल जाता है। फिर अक्टूबर के मिड में वो कहाँ से चला जाता है? पूरे पूरे कहाँ से? नॉर्थ इंडिया से चला जाता है। फिर अब बचा ये कोस्टल रीजन में दिसंबर से पूरा मानसून चला जाता है, यहाँ से दिसंबर में पूरा मानसून यहाँ से चला जाता है, ठीक है। सो ओनेस ऑफ द मानसून और विड्रॉल मैंने बता दिया कैसे मानसून आता है और कब जाता है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद आता है द सीजन्स पढ़ने हैं। सीजन्स, अब सीजन कितने? फोर टाइप के सीजन होते हैं, द विंटर सीजन, द समर सीजन, द रेनी सीजन, द ट्रांजिशन सीजन। अब जो विंटर सीजन है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं तो कोल्ड वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन भी कहते हैं। और समर सीजन को हम कहते हैं हॉट वेदर सीजन, और रेनी सीजन को हम कहते हैं, रेनी सीजन को एडवांसिंग मानसून, ट्रांजिशन सीजन को हम कहते हैं रिट्रेटिंग मानसून। अब विंटर सीजन क्या होता है? विंटर सीजन यानी कि ये कब से कब तक रहता है? ये मिड नवंबर टू, या नवंबर भी कह सकते हैं, नवंबर टू कब तक रहता है? ये नवंबर टू फरवरी, कब? नवंबर टू फरवरी। और दिसंबर और जनवरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ माने जाते हैं हमारे, क्या? जनवरी और दिसंबर सबसे कोल्डेस्ट मंथ माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड कब होती है? दिसंबर और जनवरी में भी होती है, ठीक है, इसलिए ये सबसे कोल्ड मंथ माने जाते हैं। अब जो विंटर होती है, विंटर में भी एक बारिश होती है, एक रेन होती है, बारिश होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हम महावात, क्या? महावात। महावात क्या होता है? अभी महावात। अब ये जो महावात बारिश होती है हमारी, बारिश का नाम है, एक रेन का नाम है महावात। सो ये जो होती है ये हमारी रबी क्रॉप्स के लिए यूजफुल होती है, रबी क्रॉप्स के लिए, राइट। अब इसके बाद आता है समर सीजन द हॉट वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, ये हॉट नाम आ रहा है ना, समर हॉट गर्मी का सीजन है ना, हॉट वेदर सीजन। ये कब से कब तक चलता है? ये मार्च टू मई, कब तक? मार्च टू मई, मार्च से मई तक, मार्च टू मई। और अब देखिए यहाँ पे जो ये जो समर सीजन होता है उसमें जो हमारा वो वाली डक्कन प्लेटियो वाली जगह है, ये मतलब यहाँ जो डक्कन प्लेटियो वाली जो जगह है हमारी, उसमें कैसा टेम्परेचर? वहां पे टेम्परेचर चला जाता है 32 डिग्री सेल्सियस मार्च में है ना। और मार्च में गुजरात जैसी जगह पर, गुजरात में कहां पर इतना टेम्परेचर पहुंच जाता है? गुजरात में 42 डिग्री सेल्सियस। अब मई में कितना टेम्परेचर पहुंच जाता है यहाँ तक? जम्मू कश्मीर और यहाँ कोस्टल प्लेन सब में कहां तक पहुंच जाता है? 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फिर राजस्थान जैसी जगह में, राजस्थान में तो 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब ये हो गया समर सीजन। अब इसमें समर में भी बारिश होती है ना, उसे हम कहते हैं बारिश होती है, आंधी तूफान आने लगते हैं। सो वो क्या होती है? क्रॉप के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है, इसलिए बंगाल में क्या कहा जाता है इसे? काल बैसाखी। इस बारिश को बंगाल में क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। अब एक बारिश और होती है समर सीजन में, वो क्या होती है? वो
मैंगो के आम की खेती के लिए यूजफुल होती है, उसे हम कहते हैं मैंगो शावर, क्योंकि आम की खेती के लिए यूजफुल होती है, इसलिए इसे हम मैंगो शावर कहते हैं। अब ये हो गया समर सीजन। इसके बाद आता है ना रेनी सीजन। रेनी सीजन क्या होता है? अब रेनी सीजन क्या होता है ये देखते हैं। चलिए, रेनी सीजन में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था एडवांसिंग मानसून भी, यानी कि जब रेन आती है रेनी सीजन में, रेन आती तो है, रेन आती चली आती है, सबसे पहले कहाँ बारिश करती है? केरला में। केरला में होती है, केरला जैसी जगह पे, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, यहाँ केरला में यहाँ बारिश करती है, फिर आसाम तक यहाँ तक बारिश होने लगती है, फिर गुजरात में होती है बारिश, फिर सेंट्रल में होती है, फिर दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, फिर पूरे इंडिया में बारिश होने लगती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बारिश तो होती है, पर ऐसे नहीं है कि बारिश का रेनी सीजन आ गया तो दो तीन महीने, मतलब कि एक मंथ हो गया तो एक महीने तक, दो महीने तक बारिश चलती रहेगी, पर नहीं, ब्रेक में चलती है। जैसे दो दिन बारिश हो गई तो फिर रुक गई, ब्रेक्स में चलती है ऐसे रेनी सीजन। अब ट्रांजिशन सीजन, अब यानी कि रिट्रेटिंग मानसून, मानसून जब जाता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कब जाता है, कैसे जाता है, पूरा मानसून बता चुका हूँ, ठीक है। अब एक चीज आती है इस ट्रांजिशन सीजन में, क्या? अक्टूबर हीट क्या होती है? चलिए, इसे समझने के लिए हमें फिर से बोर्ड पर पड़ेगा, अभी से इन्हें सबको रफ कर देते हैं। अब इसे हमने रफ कर दिया, चलिए अब आते हैं हम कहाँ पर। अब देखिए ये हो गया, अब इसके बाद क्या बताया, अक्टूबर हीट। अब देखिए ये जो लैंड है, ये हमारा लैंड है, अब मानसून तो हमारा चला गया, क्या पर क्या जाता है, अभी थोड़ा थोड़ा पानी रह जाता है यहाँ पे, मानसून थोड़ा थोड़ा बारिश अभी करके रह जाता है, पानी रह जाता है उसका, तो अक्टूबर जो हीट होती है इससे ये जो वाटर है वो इवेपोरेट होने लगता है, क्या? इवेपोरेट होने लगता है, भाप बनने लगता है, इवेपोरेट हो गया ये वाटर। सो यहाँ पे क्या होती है, बहुत हीट हो रही होती है, यानी कि बहुत हॉट, बहुत गर्म हो रहा होता है, गर्मी हो रही होती है, सो हीट निकल रही होती है इसमें से, सो इसी को हम कहते हैं अक्टूबर हीट। ये कब होती है? अक्टूबर वाले सीजन में होती है, ठीक है, इसलिए इसे अक्टूबर हीट कहते हैं। ये हो गया सीजन। अब आता है डिस्टर्बेंस ऑफ रेनफॉल। अब जैसे कि आपको पता है जम्मू कश्मीर वाले सीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है, यानी कि 400 सेंटीमीटर। अब जैसे राजस्थान में कैसे कितनी बहुत कम बारिश होती है, जैसे 60 सेंटीमीटर तक, बस इतनी ही बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे वहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है, सो इसी को हम कहते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ रेनफॉल, यानी कहीं पे तो बहुत कम बारिश हो रही है, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, सो इसी को हम कहते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ रेनफॉल। अब आता है मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, मानसून को एक यूनिफाइंग बॉन्ड कहा गया है। अब देखते हैं, चलिए, मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। अब मानसून को जैसे आपको पता है कि अब जैसे मानसून आता तो है, पहले कहीं पे पहले बारिश कर देता है, कहीं पे बाद में बारिश करता है। अब ऐसा होता है ना, कहीं पे पहले बारिश करता है, कहीं पे बाद में। सो अभी मानसून जब नीचे से आता है तो यहाँ से बारिश करता है, यहाँ आता है फिर यहाँ बारिश होने लगती है, तो यहाँ बंद हो जाती है। सो इसी को हम कहते हैं मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। और कहीं पे मानसून से कहीं पे बहुत तेज बारिश पड़ने लगती है, सो उससे क्रॉप्स, यानी मानसून क्या होता है, हार्मफुल भी होता है क्रॉप्स के लिए। कहीं पे इतनी बारिश कर देता है कि बाढ़ भी आने लगती है, सो इसी को हम कहते हैं मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, ठीक है, क्लियर हो गया ये तो आपको। अब यहाँ पे इसी के साथ साथ ये लास्ट टॉपिक था हमारे इस चैप्टर का, सो ये वीडियो हमारी खत्म होती है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।